यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लिए बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में अभी से जुट गए हैं। यही वजह है कि आगामी 23 सितंबर को वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने आ रहे हैं, जिसे मुख्यमंत्री योगी यादगार बनाना चाहते हैं। पीएम का ये दौरा लोकसभा चुनाव को देखते हुए बेहद खास रहने वाला है। यहाँ पीएम वाराणसी की जनता के अलावा पूर्वांचल की जनता को करीब 1600 करोड़ की सौगात देंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने दौरे पर जनता के बीच ज्यादा रहेंगे और एक मिनी रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी काशी के गंजारी में 30 एकड़ जमीन पर 541 करोड़ की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि काशी में बनने वाला स्टेडियम शिव मंदिर के मॉडल की तर्ज पर बनाया जाएगा। स्टेडियम को बेलपत्र, लाइट को त्रिशूल और पवेलियन को डमरू की आकृति दी जाएगी। शिलान्यास कार्यक्रम में क्रिकेट के दिग्गज सितारे शामिल होंगे। ये स्टेडियम जो है गंजारी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य से ये खेल विभाग ने करीब 12.809 हेक्टेयर में जमीन को काश्तकार गणों से क्रय करके किया है, जो उनका भुगतान कर दिया गया और ये UPCA से मेरा अनुबंध हो गया और जो इस UPCA को ये हस्तगत कर दिया गया है और UPCA के द्वारा जो है इसका निर्माण जो है कराना प्रारंभ कर गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी जो दिनांक 23 को आकर के उसका भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा है। स्टेडियम के शिलान्यास के अलावा पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शरीक होंगे। प्रधानमंत्री मोदी काशी में 1150 करोड़ से बने अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे।